दो सर्फेस है, एक है मून का ये ब्राइट वाला चेहरा और दूसरा है मून का ये काले धब्बेदार वाला चेहरा जिसे हम चांद का कलर बुलाते हैं। हर पूर्णिमा के रात में धरती से बैठकर जब हम इस मून को देखते हैं तो मून का यही वाला रूप देखते हैं, ये काले धब्बेदार वाला रूप, क्योंकि मून अपने अक्ष पे सारे 27 दिन में एक रोटेशन कंप्लीट करता है और उसी सारे 27 दिन में पृथ्वी के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इसी वजह से धरती से बैठकर जब भी हम मून को देखते हैं तो मून का एक ही रूप बार बार देखते हैं। मून का जो दूसरा राइट वाला चेहरा है हम कभी नहीं देख सकते। अब मून एक नेचुरल सैटेलाइट है तो इसका खुद का रोशनी नहीं है, तो सवाल यही है इस मून को रोशनी देता कौन है, और मून को रोशनी देता है हमारे सूरज यानी कि सन, जिसे दिखने में एक आग का गोला जैसा लगता है। इसके ऊपर ये जो येलो कलर के पैचेस आप लोग देख सकते हैं ये सब है एक एक एक्टिव सोलर फ्लेयर्स। यहाँ से यूवी रेडिएशन एमिटेड होता है और यही यूवी रेडिएशन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। सन को आप लोग एक न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पर कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है। दो हाइड्रोजन आइसोटोप्स जुड़के एक हीलियम एटम जनरेट करता है और उसके साथ जनरेटेड होता है ढेर सारी एनर्जी। यही एनर्जी जनरेशन के वजह से सन का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। सरफेस का टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस से 6,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और कोर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस रूम का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सन का टेम्परेचर कितना हाई होगा। तो सन हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार है और किसी सन को केंद्र करके 8 प्लैनेट सन को चक्कर लगाता है। तो चलिए मिलते हैं एक एक को। पहले आता है प्लैनेट मर्क्यूरी। ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है और 88 डेज में अपना रेवोल्यूशन कम्प्लीट करता है। मर्क्यूरी के सर्फेस के ऊपर ये जो ब्लूइश कलर आप लोग देख सकते हैं ये एक लेस रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस के प्रेजेंस की वजह से है। मर्क्यूरी में सल्फाइड ओर्स भी मिलता है, लेकिन ना तो मर्क्यूरी का कोई एटमॉस्फेयर है ना कोई नेचुरल सैटेलाइट। और मर्क्यूरी के बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट, प्लैनेट वीनस। वीनस में एटमॉस्फेयर मिलता है और उसी एटमॉस्फेयर में है 96% कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और इसी वजह से वो सूरज के टेम्परेचर को एंट्रैप करके रख सकता है। यही एंट्रैपमेंट ऑफ हीट की वजह से वीनस का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ऑलमोस्ट अप टू 450 डिग्री सेल्सियस। इस वीनस का भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और वीनस के बाद आता है हम सबका प्यारा धरती यानी कि मदर अर्थ। तो यही एक जगह है जहाँ पर जीवन मौजूद है और ये सन से ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है जो लाइफ को सस्टेन कर सकता है। अर्थ के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए चलते हैं अर्थ के बाद अगले प्लैनेट पे जिसका नाम है मार्स यानी कि मंगल। मार्स का एक मित्र जिसमें से एक मेजर सैटेलाइट का नाम है सैटेलाइट टाइटन। यह है टाइटन सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट और हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट। तो कहा जाता है कि टाइटन में मीथेन और हीरो की वर्षा होती है। फिर आता है सेवेंथ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम और कोल्डेस्ट प्लैनेट यूरेनस, जहां पर बहुत सारे हल्के गैसेस मिलते हैं जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन। और यूरेनस से मिलता जुलता एक और प्लैनेट है यूरेनस का सिस्टर प्लैनेट जिसका नाम है नेपच्यून। यहां पर मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है। नेपच्यून से हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट का सफर खत्म होता है। लेकिन 2006 से पहले इस फैमिली में एक और मेंबर था और वो था प्लूटो। अनफॉर्चुनेटली अभी हम प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा नहीं देते हैं, इसका साइज बहुत ही छोटा है हमारे चंद्रमा से भी छोटा। प्लूटो को अभी ड्वार्फ प्लैनेट बुलाया जाता है। अब एक बात सोचिए, हम सब तो हमारे फैमिलीज के साथ हमारे घरों में रहते हैं तो हम सबका एक पर्टिकुलर एड्रेस है। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे सोलर सिस्टम का भी एक एड्रेस है। हमारे ब्रह्मांड में कई सारे गैलेक्सीज है और सोलर सिस्टम ऐसे ही एक गैलेक्सी का पार्ट है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा गंगा के। अब आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं अगर वहाँ से आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है तो वो एक न्यूली फॉर्म स्टार है जिसमें बहुत सारे फ्यूल बाकी है। अगर आपको व्हाइट या येलो कलर नजर आ रहा है
तो वो एक मिडिल एज स्टार है, जैसे कि हमारा सूरज। और अगर आपको रेड कलर नजर आ रहा है तो वो एक ओल्ड एज स्टार है जिसका फ्यूल कभी भी खत्म हो सकता है और फिर वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। अब इतना सारा गैलेक्सीज है हमारे ब्रह्मांड में, इसमें से किसी भी गैलेक्सी में जीवन का अस्तित्व हो सकता है। हो सकता है कि वो लोग भी हमारे साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहा है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शन अब तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में कभी वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, और इसी होप के साथ हम इस शो को यहाँ पर खत्म करना चाहेंगे।